عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا ابشروا اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله قالوا نعم قال فان هذا القران سبب طرفه بيد الله وطرفه بايديكم फ़त मस्सको भी फन्ना को मलन तद दिल्लो वलन तहली को बद होबदा हजर निगरामी सला हदीस सियामी आज से जो बाब चैप्टर शुरू हो रहा है ईमान तोहेद दिन और तकदीर के बयान में तो इस तल्लुक़ से आज की जो हदीस हैं हदीस नंबर सिलसिला हदीस सयाह के सात सौ तेरह है और उसके अलावा इबन अबी शैबा और इबन हिब्बान ने इस हदीस को ज़िक्र किया है रावी हदी हज़रत अबू शराज़ा रदील्ला तू कहते हैं कि पैर नबी सल्ला वसम एक मौक़े पर हमारे पास तशरीफ़ लाए हम सब कराम बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब शुरू खुश हो जाओ ख़ुश हो जाओ आपने दो बार ही कहा उसके बाद फरमाया क्या तुम लोग इस बात की गवाही नहीं देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और मैं अल्लाह के रसूल हूँ तो सारे इकराम ने एक ज़बान फरमाया क्यों नहीं जी हाँ हम लोग ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और आप अल्लाह के सच्चे पक्के रसूल हैं उसके बाद प्यार नबी वसल्लम ने जो फरमाया ये बहुत अहम बात है आपने फरमाया हादल कुरान सबब यह कुरान एक रस्सी की तरह है ये कुरान रस्सी की तरह है तरफ हो भी उसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है वह तरफ हो भी आईदी कुम और एक किनारा तुम्हारे सामने है फतमस्कूँ इसको पकड़ लो फ कुम इसलिए कि तुम लोग लंतदिल्लू हरगिज़ गुमराह नहीं हो गए व लंतिकू हलाक और बर्बाद नहीं हो गए बाधा हो आबादा इस क़ुरान के बाद कभी भी यानी कुरान को अगर तुम मजबूती के साथ थाम लो क़ुरान पर तुम अमल पैरा हो जाओ कुरान को तुम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में लाया अमल बना लो तो याद रखो अल्लाह के साथ तुम्हारा ताल्लुक जुड़ जाए क्योंकि ये रस्सी है और रस्सी का एक किनारा अल्लाह के पास है और दूसरा किनारा तुम्हारे पास है तुम उस रस्सी को पकड़ लोगे तो गोया कि अल्लाह के साथ तुम्हारा ताल्लुक जुड़ गया कितनी बड़ी बात है अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ जाए तो तुम ना गुमराह हो सकते हो ना हला कर बर्बाद हो सकते हो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा इस हदीस में कई एक मसायल है पहली बात शहादत के ताल्लुक से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हदीस में कहीं भी ला लाला मोहम्मद रसोल्ला एक साथ नहीं आया है ये गलत बात है कई जगहों पर सरात के साथ ला इला मोहम्मद रसोल्ला आया हुआ है, है। उनमें से एक बात यहाँ पर भी है सरात के साथ साबराम ने करार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये बात कही है ये बुनियाद है ये बुनियाद है फिर उसके बाद दूसरी बात कि क़ुरान इतनी अजीम किताब है ताला ने हर नबी को वक्त का सबसे मौसर सबसे अफेक्टिव, मोजा और मिराकल अता फरमाया चुनाचे आप देखेंगे मूसा सलाम के दौर में जादू और जादूगरी का फन जादोगरी का बड़ा जोर था तो अल्लाह तला ने मूसा सलाम को ऐसा मोजा दिया कि जादूगरों को ढेर कर दिया ईसा आलम के जमाने में मेडिकल साइंस का तिब का बड़ा जोर था अल्लाह ताला ने ईसा आई सलाम को ऐसा मुजजा दिया कि वक्त के बड़े बड़े तबीब हैरान परेशान रह गए कि मुर्दों को कैसे जिंदा कर सकते हैं मादरजाद अंधों को कैसे बिना बना सकते हैं कोड़ की बीमारी में मुबतला है कैसे उसको शिफा दे सकते हैं। आज तक उसके लिए कोई इलाज नहीं है अल्लाह ने ऐसा दिया उस जमाने के लोगों को हैरान और शजदर और परेशान करके रख दिया उनकी आंखों को खीरा करके रख दिया आखिर नबी के जमाने में जो सबसे बड़ा जोर था वो शेर व शायरी का जबानदानी का कि जो अच्छा बोल सकता है उसकी तोती बोलती है जो अच्छा बोल सकता है वही सबसे ऊंचा मुकाम रखता है जो अच्छी शेर व शायरी करता है हर बादशाह उसको अपने पास रखता और अपने मतलब की बातों को उसके शायरी के जरिए से दूसरों तक पहुंचाता जबान दानी यह उस जमाने का एक बहुत बड़ा फन था अल्लाह ताला ने इसे माहौल में आप सल्लाम को जो सबसे बड़ा मुजजा दिया सबसे बड़ा मिराकल दिया वह क्या है कुरान आखिरी नबी का सबसे बड़ा मोजा है कुरान और ये कुरान जिनके पास से आज वो लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं ये बहुत बड़ा अजूबा है इस कुरान में आपको इल्म का समंदर है क़ुरान में तहक़ीक का रिसर्च का समंदर है ये कुरान में तरक्की करने आगे बढ़ने के हर तरह का सामान मौजूद है इस कुरान में हिदायत भी हैं इस कुरान में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है इस कुरान में निजाम क़्यादत और सियासत हर चीज़ का तौर तरीका बताया गया है ये कुरान सबसे बड़ा मोजा है वो जमाने में मज्जत थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए हैं तारीख़ हो कुरान होकर कुरान हमने छोड़ दिया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो इसको पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे ये अल्लाह की रस्सी है और फजर में भी बात चल रही वायतम बेहबिल्ला ही चमिया अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो कुरानी तो है और कुरान का ही फैसला है कि हदीस को भी मानो हदीस को भी मानो मा आता को मसूल फुदू और माँ नहा को मन भनता रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो जिनसे रोके उससे रुक जाओ ये अल्लाह की रस्सी है आज बहुत जरूरी है कि हम कुरान से अपना रिश्ता उसवार करें मजबूत करें कुरान को सबसे पहले अच्छे अंदाज में तजवीद और तलफ के साथ पढ़ें कुरान को समझने की कोशिश करें क़ुरान पर अमल करें कुरान को दूसरों तक पहुंचाया करें कुरान के जरिए से शिफा हासिल किया करें कुरान के जरिए से अपनी जिंदगी का गोया के बेहतरीन टाइम गुजारने का जरिया बनाएं कि कुरान पढ़ते हुए हमें लगना हमारे टाइम पास का जरिया कुरान होना चाहिए वक्त मिला है कुरान की तिलावत करें कुरान पढ़ें कुरान पढ़ते हुए हमें मजा आना चाहिए तब हम मोमिन होंगे और ना मोमिन नहीं होंगे नबी ने क्या फरमाया ईमान क्या है नबी से पूछा गया अमल ईमान तो आप वसल्लम ने फरमाया, इदा सअत का सै व सरत का हसनतुक अतुक मोमिन जब तुम्हारी नेकियां तुम्हें अच्छी लगे तुम्हारी बुराइयां तुम्हें बुरा लगे तो तुम मोमिन हो यानी नेकियों को करते हुए हमें अच्छा लगना है और बुराइयों से नफरत होना है वो दूसरों के नहीं हां दूसरों की बुराई देखकर नफरत अपनी बुराइयां देखकर हमें नफरत होना नबी ने यह फरमायातु अब देखो ईमान का मैार जांच के देख लो कि हमें म्यूजिक सुनते हुए मजा आता है या तिलावत सुनते हुए मजा आता है हमें नमाज पढ़ते हुए मजा आता है या कहीं बाहर तफरी घूमते फिरते हुए मजा आता है हमें दीन की बातें सुनते सुनाते हुए अच्छा लगता है या बेकार के गपशप भागते हुए मजा आता है टाइम पास करते हुए मजा आता है या अल्लाह के असकार में हमें मजा आता है ये ईमान की बुनियाद है मेरे भाइयों हम अपने खुद देख लें कि हमें मजा किस में आ रहा है और आदमी का सबसे बड़ा मुफ्ती है उसका नफ्स अव्वल ना नफ्स अरबी में कहते हैं आप अपने ज़मीर को पूछ लो तन्हाई में जाके कि मुझे किस में जायका है मुझे किस में अच्छा लग रहा है और मुझे किस में खुशी हो रही है अपने दिल को पूछ लो आपका दिल बता देगा वो झूठ नहीं बोलता है हर आदमी का ज़मीर बड़ा सच्चा होता है और वो कभी गद्दारी नहीं करता धोखा नहीं देता झूठ नहीं बोलता है आप अपने जमीर को फोन करके पूछो आपका जमीर बताएगा कि हां नहीं तुझे इसमें मजा नहीं लग रहा है तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में हां कहां है नमाज में कहा मजा आएगा बोलो कहां है लगता है कोई कर्ज लेकर रखे हैं फर्ज चुकाने आते हैं जल्दी ठकाठक मारे और भाग गए बस लोग कहेंगे इतनी उम्र को पहुंच गया मस्जिद नहीं जाता नमाज नहीं पढ़ता है हाँ लज्जत मिलना चाहिए तो याद रखो तब जाके हम मोमिन हो सकते हैं बहरहाल आखिरी बात हदीस में यह है कि नबी ने फरमाया इसको मजबूती के साथ थामे रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे आज मुसलमान गुमराह है भटके हुए हैं हाँ हलाकत के दहाने पे जा रहे हैं उसका एक ही रास्ता है एक ही सब एक ही हल है कि हम कुरान की तरफ आ जाएं हदीस की तरफ आ जाएं तो इन हम कामयाब हो सकते हैं दोबीन से अल्लाह तबरक हमें और आपको कुरान को उसके हक़ूक़ को अदा करने और देने की तोफ़ी क़ा फ़रमाएँ सबानल्मादी का शदात स्तकफ़ फिर विलय व सल नबीन महमद